करूंगा के अंदर में और मेरा बाड़ा खेल रहा होता फिर कौन जाता हूँ यहाँ पे। अरे कमाल कर दिया आप प्रधान, आप सेक्रेटरी, आप मीडिया है कप्तान साहब, डी साहब ने फोन कर दिया, आ रहे हैं। उससे आप क्या फायदा होगा? फायदा सारा होगा, मतलब मेरा बाड़ा मर जाए यहाँ पे ना, मेरा बाड़ा मेरे ऊपर गिर गई, टांग में लग गई चोट उसके अंदर, मेरी गाड़ी होती मेरी, कमाल कर दिया, वाह कमाल कर दिया। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। गुरुग्राम के चिंटल पैराडिसो सोसाइटी में हादसे का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि रेवाड़ी की हाईराइज बिल्डिंग में भी हादसा होते होते बच गया। समय रहते थी पार्षद राजबाला के बेटे मोनू राव ने अपने आप को जर्जर हो रही बिल्डिंग से नहीं बचाया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसी दौरान कुछ देर पहले ही मोनू राव का बेटा भी हादसे का शिकार होते होते बचा, इसके चलते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के रणबीर सिंह हुड्डा चौक स्थित साक्षी सोसाइटी की। 10 मंजिला इस भवन में 30 से अधिक परिवार रहते हैं, लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में हालात जर्जर दिख रहे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि गुरुग्राम हादसे के बाद जब हमने रेवाड़ी के DDP धर्मवीर खत्री से बात की थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सभी हाईराइज बिल्डिंग की जांच कराई जाएगी, लेकिन जांच अधिकारियों के भवन से बाहर नहीं आ सकी। जिस बिल्डिंग के जर्जर होने की बात कही जा रही है, आज तक उसकी NOC या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक नहीं लिया गया। हादसे के बाद JEE से लेकर अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन वह जांच का आश्वासन देकर चलते बने। मौके पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी पहुंचे और लोगों से बातचीत कर हालचाल जाना। उनको मैंने 2-3 बार कराया, अवगत की थी, ये बिल्डिंग जैसा भी आपने देखा होगा फुली पड़ी, ये गिर जाएगी। आज से कोई 21 दिन पहले कुछ बच्चे खेल रहे थे, जब भी गिरी थी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये बिल्कुल डैमेज है और खंडर है बिल्कुल, न तो इसकी आज तक प्रॉपर्टी आईडी बनी, अभी बनी है 3 दिन पहले, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है और न इसकी आज प्रॉपर्टी आईडी बनी, आज 3 दिन पहले प्रॉपर्टी आईडी बनी है इसकी। मैंने आज से 1 महीना पहले शिकायत करी थी, बैक साइड के अंदर छोटा पार्क है, वहाँ पे वो मलबा ऐसे टूट के नीचे गिर, ये या तो इसकी लिपाई हो दोबारे। हर एक के फ्लैट के अंदर जाके देख लो, अंदर से पूरे फ्लैट गल रहे हैं, दरार आ रही है सबके, सब काम कराते हैं, दुखी हैं हर एक व्यक्ति यहाँ पे। लेकिन इन्होंने, मैं तो फिलहाल 1.5 महीने से यहाँ पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोगों ने 1000 बार कह दी ये गैलरी है, आप खुद ही देख लो। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता की जरूरत नहीं, आप खुद देख लो ये सारी बिल्डिंग क्या हालत हो रही है। अजी मैं खुद बचा हूँ अभी, और बताओ और क्या करता है। अगर ये एक्चुअली इसमें मॉइस्चर की वजह से ना लीक हो गया, गिरा है तो उसको रिपेयर कराएंगे, ठीक करवाना है। 7-10 साल के लगभग हुआ है जारी हादसा, तो देखते हैं उसकी बात करते हैं कमेटी से क्या करना है। देखिए ये जिस प्रकार से जितने भी मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बन रही हैं पूरे NCR में, और उसका प्रश्न चिरंजीव राव ने लगाया भी है इस बार कि जितने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो NCR में है, क्या उसका ऑडिट इन्होंने कराया, ऑक्यूपेशन जब सर्टिफिकेट दिया क्या उन्होंने उसकी गुणवत्ता को देखा, नहीं देखा, तो उसके बारे में पूरी जो है जानकारी ली जा रही है। अभी 109 सेक्टर गुड़गांव में ऐसा हुआ था, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो ये प्लास्टर किया हुआ है, इसमें जिसकी जो गुणवत्ता है उसमें अब मुझे मालूम नहीं है इसमें कितना स्टील लगा रखा है कितना स्टील नहीं लगा रखा है, लेकिन मेरा ये कहना है, मैंने अभी एस्टेट ऑफिसर से और DTP दोनों से बात करी है मैंने, और अभी एस्टेट ऑफिसर आ रहे हैं हुड्डा वाले, मैंने उनसे कहा है कि कम से कम जो है आप लोगों को समय समय पर इंस्पेक्शन करना चाहिए, तो जनता की उनकी जो है जिंदगी से एक खिलवाड़ है, इन्हीं करोड़ों लाखों रुपए की जो है इनके फ्लैट्स हैं, और फ्लैट्स के अंदर जो इस प्रकार से अगर इनकी ज़िंदगी महफूज नहीं है तो सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी जिसने भी ये बिल्डिंग बनाई है, जो भी कंट्रैक्टर था, और किन लोगों ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया, किन लोगों ने जो है उसके बाद जो है इनको यहाँ पर रहने की इजाज़त दी, और जिसने लाइसेंस जब दिया तो सरकार का काम इतना नहीं होता कि लाइसेंस दिया उसके बाद जो बिल्डर्स अपनी मनमर्जी करें। नहीं, अभी तो इसकी NOC भी नहीं है जनाब, जो जानकारी है अभी अन्य कागजात भी नहीं है। स्टेट ऑफिसर ही बताएगा ना, अभी मैंने उसको बुलाया है हुड्डा का जो स्टेट ऑफिसर है वो जल्दी आ रहा है, विजय राठी अभी आने वाले हैं, उनसे पूछूंगा अभी जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिए हैं आप उसके बगैर जो आप लोगों ने कैसे इजाजत दे दी कि लोगों ने अपने पूरे जीवन की पूंजी, एक फ्लैट बनाने में आदमी अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा देता है, और अगर उसकी पूंजी भी अगर महफूज नहीं है बड़ी मुश्किल से, तो आप जानते हैं कि मकान मिलते हैं, ऑडिट करवाएं, इसकी स्ट्रेंथ चेक करें, और उसके बाद जो जो भी बिल्डर है उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए इनको, क्योंकि ये जो गंगन चुमी जो बिल्डिंग बन रही, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, इसके नुकसान बहुत हैं अगर इस प्रकार की बिल्डिंग बनेगी जिसका प्रॉपर
स्ट्रक्चर ठीक ना हो, जिसमें प्रॉपर पूरा स्टील ठीक ना डाला हो, प्रॉपर जो है अगर उसमें अगर जो आपकी सीमेंट है, रोड़ी है, अगर जमुना रेती से, मुझे लगता है ये कराया काम सारा, तो जमुना रेती से अगर आप काम कराएंगे ऑब्वियसली जो है प्लास्टर नीचे गिरेगा, उसको जो है क्रशर के उससे करना चाहिए था। यो मैं आऊं जब ही टोक के जाऊं, मैं तो बेटी के पास हुई है, हर बार कहूं मैं कहो रिपेयर करवाओ इकट्ठे पैसे करके, रहन लायक के जब कोई बालक आ जाता कोई बड़ा और मर जा तो के करे, एक बात लगाओ आप है? तो यो काम ठीक ना रिपेयर होनी चाहिए, एक लिफ्ट में फोन नहीं है, हम दिल्ली रहे हमारे लिफ्ट में फोन है और हमने सारी रिपेयर करवाई सोसाइटी की, पैसे दिए हर बार पैसे दिया, जब भी मांगे है प्रेजिडेंट, जब भी सारी सोसाइटी पैसे इकट्ठे करे अच्छा। और अपना काम सारा करवा दिए, हमारे इंटरकॉम यहाँ ऑफिस में भी है लिफ्टा में भी लग रही। तो अभी हमें फोन पे मिली थी शिकायत कि यहाँ ऐसा प्लास्टर गिरा है, इसके एक बार कमेटी से रिपोर्ट हो जाएगी, तो इंजीनियरिंग विंग हमारी रिपोर्ट कर देगा, उसके हिसाब से फिर बाद में एक्शन लेंगे। तो इन्होंने हम इनको उनको ओसी जारी नहीं हुआ है अभी तक, बट लोग अभी रह रहे हैं उसमें, हमने विभाग ने कोई परमिशन नहीं जारी करी है रहने के लिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की जरूरत ऐसे है जी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बिना हम ना तो आप मेंबर चेंज कर सकते हैं, हमारे रिकॉर्ड में वो सारी प्रक्रिया होती है मेंबर चेंज। अब देखना होगा कि नगर योजनाकार अधिकारी इन जर्जर भवनों का निर्माण करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या यूं ही मामले को दबा दिया जाएगा।